मेरा नाम हाथी में, मैं चांदनी चौक कॉन्टेक्ट पॉइंट से आया हूँ। यहाँ पे वर्कशॉप में आके मुझे इतनी सारी चीज़ें पता लगी हैं जो पहले मुझे पता नहीं थी। पहले जो हम काम करते हैं वो सब गलत नहीं है, वो तो हमारे विचार के साथ बदलते चले जाते हैं। हम 16 साल की उम्र तक माइंड में हमारे कुछ बदलाव आते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं 8 साल के, तो जब हमारे विचार ऐसे नहीं होते, हमारे ना बाल आते ना कुछ होते। हम 8 साल से बड़े होते हैं, जैसे 15 साल की उम्र में तो हमारे मुंह पे बाल आने लगते हैं। इसमें ही वर्कशॉप में इनके बहुत फायदा हुआ था। मेरा नाम कुलसुम है, मैं बटरफ्लाई में पढ़ती हूँ निजामुद्दीन दरगाह में, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे फायदे के लिए, हमारी उसके लिए हमें जानकारी दी है कि क्या से क्या करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए। कि हमें थोड़ा पता था पहले, और अब जाके बहुत पता चला। थोड़ा पहले पता था, थोड़ा और ज़्यादा करके पता लग गया कि क्या से क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सीख कर मैं आगे ये जाया करूँगा कि जो बच्चे जो से एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी की रेलगाड़ी से पैर कर जाती है, उन लोगों में मैं जाके सबको सहायता करूँगा। जैसे कोई सड़क में बच्चा रहता है, उसको चोट उठ लग जाए, तो उसको चोट लग जाए मैं पट्टी करने का पैसा नहीं लूँगा, मैं मुफ्त में इलाज करूँगा और उसे अस्पताल में भी छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर आई हूँ और डॉक्टर ब्रजेश भैया ने सबसे पहले मुझे हमारा सबका परिचय करवाया और फिर ये बताया कि ये एक हेल्थ एजुकेटर की क्या जिम्मेदारी होती है, और बंद घाव खुले घाव के बारे में बताया। जैसे किसी का पैर कट जाता है तो इसका ज़्यादा खून ना बहे, वहाँ से कोई चीट या पट्टी कुछ भी बांध दो। और जो मैं यहाँ से सीख के गई हूँ, मैं जितने जाके बच्चों को बताऊँगी, इनका अच्छे से पट्टी अट्टी करूँगी, जो भी यहाँ से जितनी भी बातें सीखी वो सब जाके जामजीत में बताऊँगी कि बच्चे सीख सकें, आगे उनको भी आ जाए ये सब चीज़ करना। बस इतना ही कहना चाहूँगी।